नमस्कार, मैं हूं सुमित और मेरे रिपोर्ट के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज बात आरबीआई की। नोटबंदी के वक्त में आरबीआई ने जितना पैसा बैंकों में इकट्ठा किया था उसकी गिनती फिलहाल खत्म हो चुकी है और आरबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लगभग 99.3% पैसा जो व्यवस्था से बाहर होना था वो व्यवस्था में वापस आ चुका है, यानी वो लीगल हो चुका है। फिलहाल रिपोर्ट देखिए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो देश के मजबूत नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री को, मुबारक हो मोदी जी के कैबिनेट को, मुबारक हो वित्त मंत्री को। आज ही मुबारक इसलिए क्योंकि आरबीआई ने नोटबंदी को लेकर अपनी रिपोर्ट दे दी है। पीएम जी नोटबंदी के बाद बड़े ताव से कहा करते थे कि 50 दिन मेरी मदद करो, ताली बजाओ, खड़े हो जाओ, मदद करो, रो के कहा, गा के कहा, 50 दिन मांगे थे। पहले भाषण सुनिए और याद कीजिए। आपको भी पता है कि अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे ₹500 और ₹1000 की नोट मुझे गोवा वासियों के आशीर्वाद चाहिए। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें, देश देखेगा, देश देखेगा। ईमानदार लोग, इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए आइए, ईमानदारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आपने हमसे 50 दिन मांगे थे, हमने आपको 1 साल 9 महीने दिए। आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 99.3% जिन नोटों को व्यवस्था से बाहर जाना था मोदी जी वो वापस आ गए हैं, यानी वो भी अब कानूनी हैं। तो आपका भी सरकार चलाने में महारत देख लिया। कई 100 लोगों ने जान गंवाई, आपके लोगों ने सियाचिन की याद दिलाई और जनता ने एक बार फिर मुंह की खाई। तो अब कौन बताएगा क्या हुआ उन वादों का, नेपाल आदि देशों में जमा नोटों का क्या हुआ, नदियों में बहाए हुए नोटों का क्या हुआ, व्यापार के नुकसान का क्या हुआ, जो नई कंपनियां दिवालियां हो गई उसका क्या हुआ। अब जवाब कौन देगा। वित्त मंत्री छुट्टी के बाद लौटे तो रफाल पर बोल गए, रक्षा मंत्री बीते दिनों गुस्से में थी, मोदी जी नेपाल में है, जिनके पास पैसा था उनके पास आज भी है, GDP लुढ़क गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बैंकों का कर्ज बढ़ गया है, आम आदमी की सेविंग घट गई है, पर देश की सरकार की सीटें बढ़ गई हैं। आरबीआई की रिपोर्ट की माने तो 2016-17 में मौजूदा सरकार ने 500 और 2000 के नए नोटों की छपाई में जो खर्चा किया वो कुल 7,965 करोड़ रुपए का था। नोटबंदी के वक्त 15.41 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में था, 15.31 लाख करोड़ वापस आ चुका है, यानी कुल मिलाकर 0.7% काला धन वापस नहीं आया है। तो यही कुशलता है इस सरकार की, माफ कीजिएगा, मजबूत सरकार की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी नोटबंदी के फैसले को लीगलाइज प्लंडर और ऑर्गेनाइज्ड लूट कहा था। इन ऑल दीज मेजर्स कन्विंस मी दैट द वे द स्कीम हैज बीन इंप्लीमेंटेड इट्स अ मॉन्यूमेंटल मैनेजमेंट फेलियर एंड इन फैक्ट इट इज अ केस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लूट। अब बात नैतिकता की तो भारतीय राजनीति में नैतिकता के स्तर का आंकलन इस बात से लगाइए कि हाल ही में चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक में चुनावी खर्चे को सीमित किए जाने की राय का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब आप सोचिए कि बेचारा कौन है और देश के बेचारों का सहारा कौन है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, नमस्कार।